अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे बड़े भाई हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी के प्लेयर हैं, ठीक है, वो दुनिया से वफात पा चुके हैं। तो उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके जनाजे पे। जो बाकी टीम मेम्बर्स थे, ठीक है, उनका सेमीफाइनल था उसी दिन जब वो वफात पा चुके हैं, ठीक है, जब उनका सेमीफाइनल और फाइनल उसी दिन था। मगर जो बाकी प्लेयर्स थे उनको जनाजे पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, और वैसे गए नहीं हैं, ठीक है। हम जानते हैं आवाम की राय में, मतलब आवाम क्या कहती है कि वो उनको जनाजे पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए, असल वजह क्या थी। तो अब इनसे पूछेंगे, हमारे भाई हैं जुर्मान, तो अभी के ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हर इंसान को जो है ना जी मौत आनी है, सही है, और हर इंसान ने, हर जो है ना जान ने ये जायका चखना है मौत का। तो कहने का मकसद मतलब ये है कि देखिए, जहाँ आप कोई फ़र्द जो है वो मुल्क कौम के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए भी किसी भी जगह पर कोई भी कुर्बानी दे रहा हो, तो उसका जो है ना जो बैकअप पे जो लोग होते हैं जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उसकी लुक आफ्टर भी करें और उसका जो है ना वो ख्याल वगैरह भी रखें। ये जो सानिया हुआ है जी, इसमें बेसिकली ये देखा गया है, या मुझे जो जहाँ तक मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक टीम वर्क था, ठीक है, और उस टीम वर्क में कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। देखिए, हमारी कंट्री के लिए जो है ना उन्होंने बहुत सी जो है ना गेमें इंटरनेशनल लेवल पर जितवाई हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो बेसिकली जो है ना, सबसे पहले तो उनकी टीम को चाहिए था कि वो उनके गम में शरीक होती, उनकी फैमिली के गम में। देखिए कि साथ शामिल होने से वो बंदे ने लौट नहीं आना था, लेकिन ये था कि जो है उनके गम में शरीक होना एक बहुत बड़ी जो है ना सादत थी और बड़ी एक उनके लिए हौसला अफजाई की बात थी। लेकिन वो नहीं हुए तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है, और देखें उन पर भी वक्त आ सकता है, उन्होंने भी मरना है। हम ये नहीं कह रहे कि वैसा ही हो, लेकिन एक जो है ना बंदा जब किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाता है तो ऑब्वियसली अगला भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह जो है उनके दर्जात बुलंद करे, लवाहिकीन को हौसला दे, सब्र जमील अता करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो है ना उनको जो है वो अप्रिशिएट करें और उनके लिए कोई ऐसा जो है वो इनाम, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मतलब आपकी असल वजह, मतलब क्या कहते हैं कि आप जो उनके प्लेयर्स को, उनकी असल वजह क्या है ना जाने की, पीछे जो महकमे हैं, मतलब जो पीछे कंट्रोल कर रहे थे टीम, वो मसलन मेन वजह। देखें जी, महकमे हों या कोई भी हो, ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बंदा जो है आपकी टीम में है, ठीक है, अगर उसको कोई चोट लगी है या कुछ होता है तो बाकी टीम इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्योंकि उससे उसको सारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और एक एक होता है, दो ग्यारह होते हैं। तो टीम वर्क जब तक नहीं होता उस वक्त तक जो है ना कोई भी काम इनकम्प्लीट होता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना किरदार था टीम का, ठीक है, बड़ा अच्छा प्लेयर भी था, ठीक है, और वो फोत हो गया, तो ये बहुत बड़े एक गम की बात थी। और जो है ना मेरा तो ख्याल था कि अगर उनके मैचेस थे भी तो उन्हें इस उसको जो है ना उसकी उसके गम के लिए उन्हें वो चाहिए था कि वो टूर्नामेंट ख़त्म कर देते। और जो है ना बिल्कुल जी ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो है ये दुनिया टीम तो ये चाहती है अभी हम जाए, मगर पीछे ज़्यादा नहीं मिली होगी तभी नहीं गए। देखिए जी, हम इस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अब गेम कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर और बहुत ज़्यादा सारे मसाइल होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हर इंसान के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, खुशी और गमी है, और मरना हर किसी ने, तो इंसानियत के नाते चले जाएं, बेशक टीम वर्क होने के नाते नहीं, गवर्नमेंट को ना देखें। देखिए, रिज़्क अल्लाह ने देना है, ठीक है, जो है वो मौत हर किसी के साथ जो है ना वो बशर्ते वो वादा है अल्लाह का, ठीक है, तो इसलिए इंसान को चाहिए कि जो है ना वो गम में जो है ना दूसरों के शरीक हो। और बाकी है कि अल्लाह ताला जो है वो मरहूम के दर्जात बुलंद करे, ठीक है, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं, आमीन, हमारी दुआएं हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। साथ एक और भाई उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं तीन जट जो उनकी वफात हुई, उनके जनाजे पे उनके बाकी टीम मेंबर्स नहीं गए, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। जी, जो भाई अब्दुलरहमान ने बात की है वो ठीक बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज है कि अगर ये टूर्नामेंट जो है ये अगर लोकल लेवल पर होता
इंटरनेशनल ना होता, हमारा हमारी कंट्री के अंदर हो रहा होता, तो शायद टूर्नामेंट में थोड़ा सा ब्रेक हो भी जाता, मिल जाता, क्योंकि इसमें दूसरे कंट्रीज़ की भी टीम्स थी आनी है या मतलब जो खेल रही थी, और उसके बाद इतना ज़्यादा वो सेटअप बना हुआ था, मैनेजमेंट थी, तो वो शायद एक बंदे की वफात के लिए वो इतना कुछ चेंज ना करते, तो इसलिए भी ये रीज़न हो सकती है, क्योंकि सेटअप सारे चेंज करने पड़ जाते हैं बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है मैच ना खेल सकते, कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने गवर्नमेंट के थ्रू खेल रहे हैं, तो हम उन प्लेयर्स के साथ हैं, क्योंकि वो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैच कैंसिल कराना था या उन्हें पहुँचना था उनकी पॉलिसी वगैरह पर, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू पहुँच सकते, पीछे वो जा रहे थे बड़े बड़े, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है आपकी, तो मतलब हम उनके साथ हैं जी, बिल्कुल बाकी टीम मेंबर के साथ हैं, जिनको क्रिटिसिज्म हो रहा है उनको फाइनली आप ना करें, तो हम उनके साथ हैं, बाकी प्लेयर के साथ हम बिल्कुल उनके साथ हैं।